दोस्तों CMF फोन लॉन्च कर दिया है, मतलब यहाँ ब्रांड कौन सा, नाम कौन सा फोन का, ऐसे मत पूछिएगा, क्योंकि फोन वन बाय CMF मतलब CMF ब्रांड नेम है, फोन वन फोन का नाम है, राइट। अगर आपने फोन खरीदा है तो आप कहेंगे कौन सा फोन है आपके पास, तो कहेंगे कि फोन वन है मेरे पास, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। तो CMF फोन वन क्या है, कैसा है, नया ब्रांड है मार्केट में, तो बहुत ही शोर मचा रहा है, बहुत ही हाइप क्रिएट हो रहा है, क्यों कैसा है ये सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको डिसाइड करने के मिलेगा कि फोन वन लेना है या दूसरे फोन ढेर सारे मार्केट में पड़े हैं उसमें से कोई लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जैसे ही आप नथिंग फोन को देखते हैं, नथिंग नहीं रे बाबा, देखिए नथिंग मैं बोल गया क्यों, क्योंकि ये नथिंग का सब ब्रांड है CMF, राइट। आपने सही सुना, नथिंग फोन्स जो है वो बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि यूनिक डिजाइन, फ्रेश लुकिंग है और यूजर इंटरफेस भी नया है, तो इसी वजह से, एंड उसका फाउंडर जो है वो थोड़ा हम रिलायबल कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो वन प्लस में वर्क कर चुके हैं, फाउंडर भी है उनका, तो इसकी वजह से अभी यहाँ पर नथिंग फोन हिट हुआ है मार्केट में। वैसे ही उनका ही ब्रांड है, सब ब्रांड जो CMF कहलाता है, उन्होंने ही फोन वन को लॉन्च किया है। तो ये बजट सेगमेंट में आता है, सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपए में लॉन्च किया है। क्या क्या कुछ मिलता है मैं सब बता दूंगा आपको। तो पहले फोन देखते ही यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग डिजाइन नजर आता है। एक तो फ्रंट में बेजल्स थोड़ा बहुत है, वो हम माफ कर देते हैं, लेकिन बैक साइड जब देखते हैं तो एक अलग ही नजारा मिल जाता है। कभी भी आप ऐसे फोन को पकड़ेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई लोग आकर आपको पूछेंगे कौन सा फोन है, और यहाँ पर थोड़ा हम लाइक नॉस्टैल्जिक फीलिंग मिलता है, क्योंकि पिछले दिनों वैसे फोन होते थे जहां पर इजिली बैक पैनल निकाल देते थे, दूसरा बैक पैनल लगाते थे, कलर कलर वाला, प्रिंटेड वाला, ढेर सारे डिजाइन थे, वो सारा चीज हम बैक पैनल रिप्लेस कर सकते थे, केस अलग अलग केस मिलता था, राइट। केस अभी भी मिलता है, लेकिन फिर भी जब प्लास्टिक का जो रिप्लेस करके नया डालते थे उसका फीलिंग ही अलग रहता था, राइट। वही फ्रेश डिजाइन यहाँ पर CMF ने लाया है फोन वन में, वो भी बजट फोन में, 16,000 रुपए में आपको बैक पैनल चेंज करने के लिए मिलता है। तो ये कैसे अडॉप्ट करते हैं लोग, वो उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट ऐसे रिमूव करके डालने के लिए नहीं दिया है, स्क्रूज दिए है, थोड़ा मुझे अजीब लगा वो कॉन्सेप्ट। तो स्क्रू को अनस्क्रू करके पूरा निकाल के, एक 4-5 स्क्रू रहता है वो निकाल के, दूसरा कलर का केस आप डाल सकते हैं, मतलब कोई भी केस मार्केट में से अवेलेबल रहता है वो वाला आप यूज नहीं कर सकते। CMF का ही एक 4 केस लॉन्च किया है अलग अलग कलर्स में, एक ब्लू है, ऑरेंज है, लाइट ग्रीन है और ब्लैक में है, तो वो केस लेके उसके साथ आपको स्क्रू भी मिलेगा, अलग से खरीदना पड़ता है, 1600-1800 कुछ पड़ेगा आपको, तो वो वाला डाल के फिर से आपको स्क्रू लगाना है। यहाँ पर फोन में लास्ट कॉर्नर में, बॉटम कॉर्नर में, राइट साइड में जो बड़ा स्क्रू दिया है वो निकालेंगे तो वहां पर कुछ एक्सेसरीज इन्होंने बनाया है, जैसे कि फोन स्टैंड हो, फोन केस हो और फोन टैग हो। फोन टैग जैसे पुराने जमाने के फोन्स में प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी वाले फोन्स में रहता था, तो टैग डालकर ऐसे पकड़ के फोन जाते थे ना, वैसे ही यहाँ पर थोड़ा डबल एक्सेल साइज वाला टैग इन्होंने बनाया है, तो आप आराम से यहाँ पर ऐसे डाल के फोन को रख सकते हैं। सेफ्टी वाइज है, अच्छा दिखेगा, अच्छा है, क्योंकि वो कलर्स जो है, वो क्वालिटी जो है, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज यूज किया गया है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, क्योंकि बजट फोन में है तो कैसे भी बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया है इन्होंने, तो अच्छा किया है, तो रियली गुड मैं कहूंगा। तो यहाँ पर फोन टैग का हो गया, फोन केस, एक केस क्या है, बेसिकली बैक में एक पैनल जैसे मिलेगा, वो अटैच करेंगे तो मैग्नेटिक रहेगा, तो उसके ऊपर एक कवर आ जाएगा, उसमें आप 3-4 कार्ड भी रख सकते हैं, कुछ चीजें रखने के लिए वो बनाए हैं, वो एक अलग एक्सेसरी है, वो आपको पसंद नहीं तो आप ले सकते हैं। फोन स्टैंड, तो छोटा सा स्टैंड है, वो इजिली बड़े स्क्रू निकाल के वहां पर फिक्स कर सकते हैं, स्टैंड जैसा, मोबाइल जैसा यूज कर सकते हैं। तो दूसरा चीज है यहाँ पर फोन ही कैसा है, राइट। स्पेसिफिकेशन यहाँ पर यूजुअली नथिंग फोन्स जो है, लाइक हायर सेगमेंट मोबाइल में क्या कुछ मिलता है आपको, वही चीज इन्होंने लाइक 30-35,000 रुपीज में डालकर नथिंग फोन में आपको दिए है कॉम्पीट करने के लिए। 16,000 में आपको मिल रहा है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300, सो 7200G चिपसेट भी यूज कर सकते थे, लेकिन 7300 इन्होंने किया है क्योंकि सेगमेंट फर्स्ट कहने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कुछ फोन 7200 यूज कर रहे हैं, तो 7300 वाला इन्होंने लगा दिया है। परफॉर्मेंस वाइज इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गुड एंड रिलायबल प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पर यूजर इंटरफेस नथिंग वाला है, नथिंग OS 2.6 यूज कर रहे हैं, अभी भी एवॉल्व हो रहा है, 2.6 नंबर पे है, कैसे इसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है मोबाइल में उसके ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली, कि कितना फास्ट चल रहा है, कितना स्मूथ है यूजर इंटरफेस, यह सारा चीज यूज करने के बाद ही पता चलेगा, तो वो एक मुझे थोड़ा स्केप्टिकल है, क्योंकि लाइक अभी 3-4 साल के बाद अगर आप पूछेंगे यही क्वेश्चन तो वहां पर एवॉल्व हो चुका होगा, तो एक मैच्योर्ड OS आपको देखने को मिलेगा तब। फिलहाल अभी तो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है,
नया ही जैसा रहेगा। तो ये एक है दिक्कत। और दूसरा चीज डिस्प्ले, यहाँ पर 6.67 इंच एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे रहे हैं, तो इतने प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेस मैं कहूंगा। 2000 निट्स ब्राइटनेस भी मिलता है आपको, तो ब्राइटनेस वाइज कोई इशू नहीं रहना चाहिए। 700 निट्स ब्राइटनेस स्टैंडर्ड है, तो कोई इशू वहां पर नहीं है। बैटरी वाइज 5000 एमएच का बैटरी इन्होंने यूज किया है, विच इज रियली स्टैंडर्ड एंड अप्रिशिएटेड। एंड इसके साथ आपको 33 वाट्स का फास्ट चार्जिंग मिल रहा है, लेकिन बॉक्स में चार्जर नहीं दे रहे हैं, वो एक थोड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए ना। तो इतने अच्छा चिपसेट दे रहा है आपको, डिस्प्ले दे रहा है, कॉस्ट कटिंग कहां पर करना चाहिए, एक चार्जर निकाल देते हैं। 33 वाट्स का अगर आपके घर में है चार्जर दूसरे फोन से, तो उसी का चार्जर आप इसको लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है 6GB 128GB रैम बेसिक वर्षन है, और एक चीज है मॉडल है जैसे की 8GB 128GB, वो आपको 18,000 रुपए में मिल जाता है। कैमरा के बारे में बात ही नहीं किया मैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा, विच इज एट f1.8 अपर्चर, स्टैंडर्ड कैमरा सेटअप है, टेलीफोटो का कैमरा सेटअप नहीं मिलता है आपको, एंड अल्ट्रा वाइड एंगल का भी नहीं दिया है, मैक्रो कैपेबिलिटी भी नहीं दिया है। तो ये तीनों चीज अगर आप देख रहे हैं, इंटरेस्टेड है, तो दूसरे फोन में आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं मिलता है। खैर कोई बात नहीं, 50 megapixel का f1.8 पिक कुछ कम नहीं है, यहाँ से जूम वूम करके थोड़ा क्लोजअप वाला शॉट्स ले सकते हैं, टेलीफोटो वाला भी खींच सकते हैं। आई थिंक स्टैंडर्ड रहेगा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग एल्गोरिथम, इतना भी नहीं कि दी बेस्ट फोटो सबको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वीडियो कैपेबिलिटी में आपको लाइक इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाईजेशन देते हैं, उसके साथ आपको 4K केपेबल कैमरा यहाँ पर मिलता है 30 frames per second तक, क्योंकि ये चिपसेट अलाउ कर रहा है। इतने प्राइस रेंज में आई थिंक यही एक फोन है जो आपको 4K रिकॉर्डिंग करने में देता है। कितने लोग 4K 30 frames per second में रिकॉर्ड करते हैं जरूर बताइएगा मुझे। Phone 1 by CMF क्या आप खरीदी करेंगे, या फिर ब्रांड्स देखे, ढेर सारे ब्रांड्स है ऑप्शन कॉम्पिटिशन में, मोटरोला की तरफ से हो, OnePlus Nord सीरीज हो, Vivo T सीरीज हो, Realme P सीरीज हो, ढेर सारे कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं, लेकिन इतने में ये कुछ नया करना चाहिए था, तो किया है इन्होंने, ट्राई किया है। मुझे पूछेंगे तो लाइक फ्रेश लुकिंग डिजाइन, थोड़ा रिस्क लेकर नया ट्राई करने के लिए देख रहे हैं, हाथ में नया दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं नथिंग फोन नहीं, CMF फोन 1 को, या फिर मार्केट में ढेर सारे अदर ब्रांड्स पड़े हैं, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, बहुत ही अच्छे अच्छे लाइक फीचर्स देते हैं, वो वाला भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो कौन सा आपने कंसिडर किया जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, कैसा लगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों यही था CMF फोन 1, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको फोन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपका राय क्या है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।